नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में फर्स्ट डिस्कस किया था दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका एग्जांपल भी डिस्कस किया था और उसके बारे में डिस्कस किया था कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर दैट हमने इसके यूजेस भी डिस्कस किए थे पॉलीविनाइल क्लोराइड के। फिर हमने डिस्कस किया था सेकंड टर्म हमने डिस्कस की थी दैट इज टेफ्लॉन। सो आज हम उसके यूजेस डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। सो यूजेस फर्स्ट है इसका, इट इज यूज फॉर मेकिंग। ये किस लिए यूज होता है? जो हमारे नॉनस्टिक यूटेंसिल्स हैं उसके लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। और सेकंड इसका यूज है दैट वायर और केबल इंसुलेशन के लिए इस टेफ्लॉन का भी यूज किया जाता है। तो फर्स्ट यूज हम डिस्कस करेंगे, इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉनस्टिक यूटेंसिल्स। इट इज यूज फॉर मेकिंग non-stick utensils. Second, हम इसमें use discuss करेंगे. It is used for. First, किसलिए use किया जाता है? जो हमारे non-stick utensils होते हैं, उसमें teflon का use किया जाता है. Next, it is used as a wire and cable insulation. Wire और cable insulation में भी टेफ्लॉन का ही यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड एज वायर एंड केबल इंसुलेशन होगी, तो हमारा
पीई, तो ये हमारा क्या हो गया पॉलीथीन। सो नेक्स्ट अगर हम इसके यूजेस डिस्कस करें, इसके यूजेस क्या होंगे पॉलीथीन के, पॉलीथीन किस लिए यूज किया जाता है, इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर, इसको यूज किया जाता है द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, हमने ये डिस्कस कर लिया था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी डिस्कस कर लिया था और हमने पॉलीथीन भी डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारी डिस्कस करेंगे दैट इज बेकलाइट, नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी दैट इज बेकलाइट। हमने थ्री टर्म्स डिस्कस की, नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द बेकलाइट, फोर्थ वन वी विल डिस्कस अबाउट द बेकलाइट। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया दो बार, ऐसे ही अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स,
CH2OH जब ये react करेगा OH negative, when react with OH negative or H2O, जब ये react करेगा तो क्या form करेगा? It will form CH2. अब ये benzene ring क्या है? इसके साथ react कर गया तो क्या बना गया? It will form CH2. अगेन ये क्या है? इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन ये क्या बना देगा? ये हमारा हो गया OH ग्रुप. अगेन ये हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी? CH2 ग्रुप की. अगेन ये फिर क्या है? ऐसे ये फॉर्म करता जाएगा और क्या बनाता जाएगा? CH2 ग्रुप. अगेन अब इसकी हम क्या करेंगे? अगेन अगर हम ये इसको ये रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा? CH2OH. तो अगेन इसकी क्या है? फॉर्मेशन होगी इसकी. ये हमारा क्या हो गया? दैट इज नोवेलेट. ये हमारा हो गया नोवेलेट. अगेन अब इसकी अगर हम अगेन करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमने बेकलाइट हम डिस्कस करें या बेकलाइट फॉर्म करना है तो अगेन हम इसकी क्या है? OH ग्रुप के साथ अगेन जब हम ये रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? This is OH group. Again फिर ये क्या है? इसके साथ CH2 group बना लेगा और यहाँ पे भी क्या है? This is also CH2 group. फिर again जब ये react करेंगे again ये क्या बन जाएगा? CH2 यहाँ पे भी और OH group ऊपर बन जाएगा, again CH2 group बन जाएगा. तो ये हमारा क्या form हो जाएगा? ऐसे ही chain बनती जाएगी. तो ये हमारा formation किसकी हो गई? This is a formation of bakelite. Uses of bakelite are, uses of bakelite are, तो इसका first use हम discuss करेंगे. bakelite का use किस में होता है? used as binding glue, या हम use करेंगे to make electrical switches and appliances. जो हम electrical switches ये appliances use करती हैं, उसमें इसका किसका use होता है? bakelite का. it used to make electrical switches. Used to make electrical switches
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन
NH. Then हमारी क्या होगी अगेन CH26NH. CH26NH. तो हमें क्या मिलेगा नाइलोन 66. तो ये हमारा नाइलोन 66 क्या है, एक सिक्स हम किसकी यूज कर रहे हैं, एक सिक्स हमारा क्या है डाई, ये हमने जो यूज किया है हेक्सामिथाइलिन डायमीन के लिए एक सिक्स क्या है इसको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट सिक्स जो है डायमीन 66 का होना चाहिए. फर्स्ट सिक्स रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डायमीन 6 का होना चाहिए, कार्बन 6 का होना चाहिए. और नेक्स्ट सिक्स रिप्रेजेंट करता है डाइकार्बोक्सिल एसिड को, उसमें भी क्या है कार्बन कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए. सो नायलोन क्या है, एक तरह का फाइबर है जिसको नायलोन किससे मिलकर बना है, नाई का मतलब क्या है न्यूयॉर्क एंड लोन मीन्स लंडन. सो नाई मीन्स, तो इसमें नायलोन का मतलब क्या है, ये भी एक तरह का क्या है फाइबर है. और नायलोन किससे मिलकर बना है, टू वर्ड से मिलकर बना है, नाइन मींस न्यूयॉर्क एंड लोन मींस लंदन. किया जाता है. तो ये था हमारा नाइलॉन 66 और इसके यूजेस.